चलिए जयमिनीस आप लोगों के लिए देखे कमिंग वीक क्या लिख रहा रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंड के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है थ्री ऑफ़ कप्स रिवर्स थ्री ऑफ कप्स का कार्ड टारो में कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है गेट टुगेदर की बात करता है कहीं बहुत लोगों से कनेक्ट करने की या फिर मैं कहूँगी ज़्यादा सोशलाइज़ करने की बात करता है नेटवर्क बढ़ाने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफ़िकली आपके प्रोफेशनल फ्रंड में रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि इस वीक ये कार्ड रिवर्स है तो ये सब चीज़ें तो रह रही हैं लेकिन इन्हीं से रिलेटेड छोटे मोटे ईश्यूज़ मसले भी रह सकते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि अभी मैंने आपको बताया आप ज़्यादा यू यूनो लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं और नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप काम पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं फन मज़ा मस्ती ज़्यादा रहती हुई दिख रही है और देखिए जब भी भी ऐसा होता है ना तो हम उस फन मज़ा मस्ती को भी नहीं एन्जॉय कर पाते हैं क्योंकि मन ही मन गिल्ट होता है कि भाई हम अपने काम को पे नहीं फोकस कर रहे हैं तो लिटरली इस तरीके की भी एनर्जीज रह है सकती हैं फिलहाल ये वीक अगेन कहूंगी कुछ खास काम नहीं होता हुआ दिख रहा है या तो आप अपना यू नो नेटवर्क बिल्ड करना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं या फिर से मैं कहूँगी ज़्यादा लोगों से यू नो इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर से इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं थ्री ऑफ कप्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड इनफैक्ट जब ये अपराइट आता है तो बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है तो कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है बट येस yes, काम पर उतना फोकस कॉन्सेंट्रेशन आप नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पर्सनल प्रोफेशनल फ्रेंड में कोई इवेंट हो रहा है कोई गेट टुगेदर हो रही है कोई सेलिब्रेशन हो रही है एंड पर्सनल फ्रेंड के लिए आप लोगों के लिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है गहरी सोच में आप रह रहे हैं अब देखिए ये सोच सब जर्मनीज के लिए डिफर करेगी ये कार्ड कहता है कि जिस भी मकाम पे आप हैं उससे नेक्स्ट स्टेप्स क्या लें या फिर मैं कहूँगी चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जाएं उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कुछ जमें नहीं इसके लिए हो सकता है कोई डिसीजन कोई चॉइस लेनी है और थोड़ा सा ये डिसीजन ये चॉइस डिफिकल्ट रह रहा है तो ऑल इन ऑल देखिए पर्सनल फंड में कोई खास एक्टिविटी नहीं होती हुई दिख रही है एक प्लानिंग एक सोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है और कैसे यू you नो know, आप चीज़ों को आगे बढ़ाएँ या फिर क्या डायरेक्शन आप लें क्या आपके फ्यूचर एक्शन इनिशिएटिव्स होने चाहिए उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं तो देखिए पर्सनल फ्रेंड के लिए भी सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत एक न्यूट्रल एनर्जीज की बात करता है यानी कि कुछ भी बहुत ग्रेट नहीं हो रहा है लेकिन कुछ भी ख़राब नहीं हो रहा है अगेन एक सोच एक प्लानिंग किसी भी चीज़ को लेकर रह सकती है एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे तो ये था जेमिनीज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया बुर्ज जोजा वालों की और जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में मुश्किल है इंग्लिश में किंग वाला के कबीर हो गया और क्वीन वाला क्यों कैस हो गया अगर आपका नाम इससे शुरू होता हो तो ये सितारा आपकी बिल्कुल मदद करेगा दो सितारों ने जगह बदली है एक ने थर्ड ऑफ नवंबर और एक इसी वीक में बदलेगा फिफ्थ ऑफ नवंबर तो देखते हैं जेमिनाइज सस्पेंस ओवर चलते हैं कि मेरे जमेनाइज़ का ये हफ़्ता कैसा रहेगा और डेट्स नोट कर लीजिएगा फोर्थ ऑफ नवंबर टिल टेंथ ऑफ नवंबर बिस्मिल्लाह करते हैं जी ये हफ्ता कैसा रहेगा फोर्थ फिफ्थ शुक्र है अल्लाह का अच्छे दिन की बिगनिंग हो रही है बिस्मिल्लाह तो अच्छी हो रही है मेरे जेमिनाइज थोड़ा अच्छा फील करेंगे सफोकेशन ओवर महसूस हो रही है मुझे यहाँ पे आप लोगों की सितारा ब्लेसिंग दे रहा है मेरे जेमिनाइज को कॉन्फिडेंस दे है आपके रिलेशनशिप एरिया में आपकी जो एक जात है जो एक इंसान की पर्सनल एक वो होती है ना जो पर्सनालिटी होती है तो यहाँ पे दो सितारे एक तो ट्वेंटी सिक्स मे से काम करना शुरू हो गया था एक सितारे ने एटीन ऑफ अक्टूबर से काम करना शुरू किया और एक इस वीक जो जगह बदलेगा वो है जी थर्ड ऑफ नवंबर से जो तब्दीली आने जा रही है तो ये तीनों सितारे मिलके जो है ये मेरे जमेनाइज़ को आ, वो जमेनाइज़ जिनकी जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी जिंदगियों में भी बेहतरी की इंडिकेशन दे रहे हैं वो जेमेनाइज़ जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं वहाँ पे भी सितारा उनकी मदद करता हुआ नज़र आ रहा है तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जो सितारों की जो पोजीशन है जो शादी के ख्वाहिशमंद है उन्हें भी सपोर्ट करेगा और जो ऑलरेडी मैरिड है उन्हें भी जो बिज़नेस रिलेशनशिप्स में पार्टनरशिप्स में इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी बेहतरी ला रहा है और जो नए अपने अलायसेस बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरी की इंडिकेशन दे रहे अच्छा सिक्स और सेवेंथ इन दो दिनों में जेमेनाइज अगर लगे कि कोई खर्चा कोई नागवारी कोई गिरा मिजाज पर गुजर रहा है तो आप लोगों ने उसको ज़रा सा बर्दाश्त करना है उस ख़र्चे को और अगर पेंडिंग कर सकते हैं तो अगले आने वाले दिनों में पेंडिंग कर दें एट्थ नवम्बर ऑनवर्ड आप पेंडिंग कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर अगर हो ना सक भी हो सकता ना कोई आपको चूना लगा जाए मामू बना जाए या हो सकता है उस चीज़ की ज़रूरत ना हो या मेरी तरह को ग़लत ऑनलाइन चीज़ ना आ जाए तो ये दो दिन सिक्सथ और सेवन्थ ऑफ नवंबर स्पेंडिंग करते वक्त आप लोगों ने सेंसिबल डिसीजन की तरफ जाना है या पेंडिंग बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास और अपनी चीज़ों का अपने ध्यान भी रखना है देन एट्थ ऑफ नवंबर ऑनवर्ड्स फिर माशाल्लाह आगे आने वाले काफ़ी दिन आपके फेवर में आ रहे हैं आने वाले दिन हमारे सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है कि आ, उन जेमिनाइज जो अपने जाती काम के अंदर हैं, यकम नवंबर को जो सितारे ने चाल सीधी की है ये उनके मामलों को सीधा करेगा जेमिनाइज पॉलिटिशन के मामलों को सीधा करेगा तो वहाँ पे आप लोगों को फेवर देता हुआ ये सितारा नज़र आ रहा है इस वक्त यह हफ़्ता जेमिनाइज स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करेगा वो जेमिनाइज जो अपना कोई पेपर वर्क से जुड़ा हुआ काम रिजॉल्व कराना चाहते हैं उनको भी सपोर्ट करेगा उनकी मदद भी करता हुआ तारा यहाँ पे नज़र आ रहा है तो वहाँ पे भी उनकी मदद करेगा देन जो है <coughs> मतलब बिजनेस एरियाज कोई इंटरनेशनल ट्रेवल है वहाँ पे भी इसकी सपोर्ट हमें आपके लिए नज़र आ रही है उसके अलावा एक और सितारे ने जो जगह बदली है फिफ्थ ऑफ नवंबर को बदलेगा इसी वीक में आपको पता है कि जब तक ये यहाँ था अब आपको मुझे इसलिए सारा पीछे जाना पड़ता है फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर से ये आया था तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर करना शुरू कर दिया था जमेनाइज कि अपने माली मामलों में आपने बहुत मोहतात रहना है कोई बिग डील्स आप लोगों ने नहीं करनी कोई इस वक्त में आप लोगों ने अपने बिल्कुल बनिया बन जाइएगा जहाँ पे आपके माली मामलत आते हैं अल्लाह करे कि आप किसी लॉस से ना गुजरे अगर अल्लाह की तरफ़ से रिस्क में कोई आ, कमी या स्लो अगर हो गया था तो मुझे इस पर कोई हैरत नहीं होगी अब आपके पास प्यारी खबर है कि फिफ्थ नवंबर को ये जहाँ से जा चुका है अब आप अपने माली मामलत के अंदर अल्लाह के हुक्म से एक फ्री बर्ड हो और अब आप खुल के खेल सकते हो जो भी रिस्क लेना है कोई आ, ऐसी ट्रेडिंग में जाना है तो अब आप जो है बिग रिस्क लेने की पोजीशन में हैं। अब जो सितारे ने जगह बदली है इस वक्त ये क्या करेगा कि आपके हो सकता है आपके कोई ऐसे काम शुरू हो जाएं कि आपके सफ़र बढ़ा रहा है अचानक सफ़र आपको आ सकते हैं डोमेस्टिक सफ़र एक शहर से दूसरे शहर कोई दफ्तरी मामलों के लिए कभी को कोई रिश्तेदारी के लिए बस मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर के सफ़र करवाए और रिश्तेदारियां भी इस वक्त शुक्र है अल्लाह का कि इस वक्त सितारे ठीक हैं ससुराली ताल्लुक या ख़ानदान के मामल सितारे ठीक हैं चाहे सिबलिंग्स के साथ है तो अगर कोई इन मुआमलात को लेके भी आप लोगों को एक शहर से दूसरे शहर अगर सफ़र करना पड़ता है तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि सितारे की जो पोजीशन है वो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल जो है वो ठीक है उसके बाद जी एक सितारे ने ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर को जमेनाइज जगह बदली थी ये मेरे जैमेनाइज जो दाना खासा बीमार थे उनको ठीक कर रहे उनको स्पीडी रिकवरी देगा सेहत बख्शेगा और वो जो अपनी मुलाज़मत में अगर कुछ अपसेट थे तो आपकी मुलाज़मत के मामलों को आपके मुताबिक कुछ आसान करेगा आपको फैसिलिटेट करेगा इनशा आपके शेल्ल को बेहतर करेगा बॉसेस के साथ कुलीग्स के साथ अपने मा तहत स्टाफ के साथ तो अल्लाह करे अब तक इसकी जो मौजूदगी है उसने अपना आप आ, मनवाया हो और आपको ये असरात जो है वो महसूस हुए हों इसके अलावा जो है दो सितारे जो हैं जिनकी वार्निंग मुझे हर हफ्ते भी आपको देते रहना है अब ये चार ज़ोन्स हैं जेमिनाइज़, फ्रेंडशिप उसमें अपने केयरफुल रहने लव लाइफ में अगर आप नहीं चाहते कि ब्रेकअप से गुजरें तो फिर आपने उस पर जो है ना आ, हाई होप्स नहीं रखनी अगर आपने उसको खींचना अगर तो ब्रेकअप हो तो ब्रेक तो गया है तो उसको इन मूव ऑन करने में अब थोड़ा सा टाइम रहेगा अगर अभी भी कभी पेन या तश्नगी की फील होती है और अगर अब तक ब्रेकअप से बचे हुए हैं तो आई थिंक थोड़ा सा वाइजली और लेके चले जाएंगे तो ये रिश्ता आपका बचने की उम्मीद हमें हो सकती है बच्चों से मतलब जो मामला हैं उनमें हम आपको गफलत की इजाज़त नहीं दे सकते जो जेमिनाइज हमारी बहने बच्चा कंसीव किए हुए हैं या इस प्रोसेस में उनको भी केयरफुल रहना चाहिए इस वक्त में और दोस्तियाँ जो है जैसे हमारा फ्रेंडशिप एरिया होता है दोस्त मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ अली का फरमान है कि नेमत है तो अगर नेमतों को बचाना चाहते हो तो फिर नेमतों को छुपाना सीखिए यानी जो है अपने दोस्तों के मामले में भी लो प्रोफाइल हो जाइए ताकि कभी कभी नज़र बद भी रिश्तों को हट कर जाती है तो दोस्तियाँ हों आपके बच्चे हों आपके आ, लव लाइफ़ का एरिया हो इसमें आपने ज़रा भी केयरफुल और वाइजली चलना है इमोशंस वैसे तो जमेनाइज बड़े प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले होते हैं लेकिन कभी कभी आ, जो है इंस्टेंट रिएक्शन दे जाते हैं जिसकी वजह से ताल्लुक हिट हो जाते हैं क्योंकि नॉनसेंस आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता तो कभी कभी लोगों का नॉनसेंस लेना पड़ता है तल्लुक को बचाने के लिए किसी ने बहुत प्यारी बात की है ना कि अहमद के साथ कभी बहस ना करें और दाना जो होगा जो अक्लमंद होगा उसके साथ बहस की ज़रूरत ही नहीं आएगी तो रवैया देख के आपने फ़ैसला करना है कि आपने बहस करके के बिगाड़ने हैं या इस वक्त इग्नोर करके ताल्लुक को आप बचा सकते हैं ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं